आते थे लड़कियां और पढ़े, कोई साइकिल नहीं चलाती थी। यहां तक कि राजधानी है पटना, उस पटना में भी कोई लड़की को साइकिल चलाते हुए नहीं देखा था। और कुछ लोग तो जानते ही है, जब हम अच्छा काम करते हैं तो कुछ लोगों को बड़ा बुरा लगता है। हमने हंसते हुए कहा कोई की हिम्मत नहीं, कोई तंग नहीं करेगा, हर परिवार को दे रहे जो भी अपने परिवार को पढ़ाएंगे। मैट्रिक की परीक्षा में लड़का से भी लड़की 200-300 ज्यादा थी। अब ये स्थिति लड़कियों की हो गई। जब गांव जाना है तो शायद ही कुछ गांव को पहुंचने के लिए रास्ता बना रहता था, सड़क कहां था। हम ही लोग जब जनप्रतिनिधि थे, सांसद थे अपने अपने इलाके में, तो कुछ इलाका तक तो सड़क मुख्य जगहों पर था, लेकिन अंदर जब जाते थे तो पैदल ही ना जाना पड़ता था। केंद्र में मंत्री भी थे श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में, और जब लौट करके अपने क्षेत्र में जाते थे तो एक दिन अगर अपने क्षेत्र में जाते थे तो औसतन 12 किलोमीटर पैदल चलते थे। ये स्थिति थी। और क्या हालत थी लोगों की। और जब हम लोग कहीं कहीं दौरा करते थे और शाम होता था तो हम तो अपने इलाके की बात नहीं, कहीं भी जाते थे तो देखते थे कि शाम होते होते उसके बाद कोई नहीं बाहर निकलता था, पूरा का पूरा मुख्य रास्ता ऐसे ही बंद रहता था। तो ये हालत थी। और कौन सा हाल था, तो एक एक चीज को देखते हुए। और क्या गरीब गुरबा तबके के लोगों की स्थिति थी, महिलाओं की क्या स्थिति थी। इन सब चीजों को देखते हुए ही हम लोगों ने सबके कल्याण के लिए काम किया। और जो काम किया हम लोगों ने, चाहे आप देख लीजिए, महिलाओं के लिए काम किया, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए काम किया। आप लोग जरा याद करिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए काम किया, अति पिछड़े वर्ग के लिए काम किया। काम तो सबके लिए किया, लेकिन ये किनारे पड़े हुए थे, इसलिए इनको आगे बढ़ाने के लिए और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इन लोगों के लिए विशेष पहल की। और क्या हालत थी महिलाएं, उनको कोई काम मिलता था। और जो महिलाओं की स्थिति थी, अपने गांव में खेत वगैरह में तो कुछ काम कर लेती थी लेकिन कोई इज्जत नहीं। तो जो स्थिति थी, बच्चियों को पढ़ने में दिक्कत, लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी थी, और पांचवें क्लास तक तो कुछ पढ़ लेती थी लेकिन पांचवें क्लास के बाद उसको आगे भेजना था तो उसके लिए ठीक ठाक कपड़ा चाहिए, तो देने की स्थिति में नहीं। तो ये सब जो हालत थी उन दिनों की, उसके सुधार के लिए हम लोगों ने क्या किया था। और सबसे पहले महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो हम लोगों ने, जो पंचायत का चुनाव 2006 में होना था, हम लोगों ने कानून बनाया और महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण किया। और उसके पहले जो 2000 में चुनाव हुआ था, तो महिलाओं को तो छोड़ दीजिए, अनुसूचित जाति जनजाति को भी आरक्षण नहीं था। तो हम लोगों ने अनुसूचित जाति और जनजाति को उनकी आबादी के मुताबिक जो भी 16% और 1% का आरक्षण, और पिछड़ों में जो अति पिछड़े लोग थे उनके लिए 20% का आरक्षण, ये सब किया। और महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण इस देश में पहली बार हुआ पंचायती राज व्यवस्था में। और जो केंद्र में कानून बना था और उस कानून के मुताबिक 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण था, लेकिन ये बिहार पहला राज था जब आप लोगों ने मौका दिया तो हम लोगों ने महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण किया। और उसके अगले साल जो नगर निकायों का चुनाव हुआ उसमें भी हम लोगों ने महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण किया। तो कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं निकली घर से और जनप्रतिनिधि बनी, और किस तरह से उनको आगे काम करने का मौका मिला। लड़कियों को आगे पढ़ाने के लिए पोशाक योजना, और उसके साथ और आगे बढ़े साइकिल योजना। जब 9वें क्लास में, हम चाहते थे लड़कियां और पढ़े, कोई साइकिल नहीं चलाती थी। यहां तक कि राजधानी है पटना, उस पटना में भी कोई लड़की को साइकिल चलाते हुए नहीं देखा था। जब हम लोगों ने साइकिल योजना की शुरुआत कराई और 2008 से लागू किया, कितनी खुशी हुई लड़कियों में। और कुछ लोग तो जानते ही है, जब हम अच्छा काम करते हैं तो कुछ लोगों को बड़ा बुरा लगता है, तो हम पर बोलने लगे कि भाई लड़की को दे रहे हैं साइकिल, अभी लड़की साइकिल निकलेगी, साइकिल पर निकलेगी, लोग तंग करेगा। हमने हंसते हुए कहा कोई की हिम्मत नहीं, कोई तंग नहीं करेगा, हर परिवार को दे रहे जो भी अपने परिवार को पढ़ाएंगे।
और बताइए कितना अच्छा माहौल हुआ, कोई घटना घटी? और लड़कियों में कितना उत्साह आया, और जब दो साल तक लड़कियों के उत्साह को देखा तो लड़कों ने भी हमसे मांग किया कि हम पर भी ध्यान दीजिए, तो हमने 11 के बाद से लड़कों के लिए भी साइकिल योजना करा दिया। लेकिन अब कितनी लड़कियां पढ़ती हैं, अब ये जान करके आप लोगों को खुशी होगी कि एक साल पहले जो मैट्रिक की परीक्षा हुई, मैट्रिक की परीक्षा में लड़का से भी लड़की 200-300 ज्यादा थी। अब ये स्थिति लड़कियों की हो गई,